बताइए लाओ लाओ लड्डू लाओ बोलिए बोलिए। आज 1932 का झारखंड बनने के बाद आज जो झारखंड अलग राज्य जिस उद्देश्य पे लिया गया था यहाँ के स्थानीयता सवाल पर आज वो विधानसभा से आज मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री है एमएलए लोग हैं सारे के द्वारा आज विधानसभा से 1932 का खतियान के आधार पर बहुमत से पास हुआ है। इस खुशी में और 27% ओबीसी को देने का काम जो किया है इसके लिए आज हम लोग खुशी में आज हम लोग लड्डू बांट रहे हैं और हम लोग बाजा गाजा के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला के तहत हम लोग आने का काम किए हैं। रामदास सोरेन, चंपाई सोरेन, तमाम विधायक जो हमारे सत्ता पर बैठे हैं तमाम विधायक को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, झारखंड की जनता की ओर से बधाई देते हैं। इतना दिन भाजपा सरकार चलाने का काम किया लेकिन यहाँ का स्थानीयता का जो सवाल है उस सवाल में ढुलमुल नीति करने का काम किया है, इसलिए आज हम लोग आज हेमंत सोरेन है तो हिम्मत दिखाने का काम किया है हेमंत सोरेन और इसके लिए आज हम लोग पूरा खुशी मना रहे हैं। पूरे झारखंड में 1932 का जो खतियान पास हुआ है 1932 का खतियान जिसके पास है वही झारखंडी है, इस सवाल को लाने का काम किया है हेमंत सोरेन ने आज पास किया है, इसके लिए हम लोग बधाई देने का काम कर रहे हैं। सरकार प्रमोद लाल झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड आंदोलनकारी विश्व सूत्री के सदस्य देखिए स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 खतियान और साथ में ओबीसी आरक्षण इन दोनों चीज़ों को आज झारखंड विधानसभा से पारित कर दिया गया है। दोनों बिल पास हो चुका है और इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी खुशियाँ मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं और इनके हाथों में आप झंडे देख सकते हैं, अबीर गुलाल तमाम चीज़ों को लेकर तमाम चीज़ों के साथ है। आज जश्न में सभी झामुमो की कार्यकर्ता यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि ढोल नगाड़ों के साथ थे क्योंकि आज झारखंड विधानसभा में काम हुआ है। अब तमाम जो लोग हैं आज रम चुके हैं पूरा कुछ है ना आज। हाँ सवाल उठा दे फिर हम बता देंगे आपको। उन्नीस सौ बत्तीस में जो लागू हुआ है ये बहुत अच्छा चीज हुआ है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या तो उनको इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं है, वो पूरा डिटेल में जान नहीं पा रहे, वो लोग विरोध कर रहे हैं। आज जो विरोध कर रहे हैं 1932 का झारखंड, वो मेरे को एक बात बताएं कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक प्रति महीना आटा में 1 रुपया किलो रेट बढ़ा, वो विरोध क्यों नहीं करते? नमक में 1 रुपया प्रति किलो रेट बढ़ा, उसमें विरोध क्यों नहीं करते? 1932 का विरोध करने वालों से पूछता हूं मैं, उनको ये ज्ञान क्यों नहीं आता? अरे भाई झारखंड एक छोटा स्टेट है, आपको थोड़ा पीछे इतिहास में ले चलता हूं मैं। एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते थे सर छोटू राम चौधरी पंजाब में, उन्होंने हरियाणा का अलग डिमांड किया। जैसे उन्होंने हरियाणा का अलग डिमांड किया हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, वो सिस्टम यहाँ ये जो सिस्टम आज है वो उस समय वहां भी लागू हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ झारखंड के मूल लोग 1932 के बाद वो झारखंड में नहीं रहेगा, कौन बोला? किसी आदिवासी ने आज तक नहीं कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, हम तो कोई विरोध नहीं है।
वो कहते हैं आप रहिए, कमाइए, खाइए, मिलजुल के रहिए, लेकिन हमारा हक हमें दे दीजिए। उनका हक उनको मिलना चाहिए। देखिए उनका हक उनको मिलना चाहिए, ये कहना है सुभाष मित्तल का। ठीक है, लागू हो चुका है और ये बिल पारित हो गया है विधानसभा के विशेष आज, और इसी को लेकर सभी जश्न में डूबे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लड्डू का वितरण कर गुलाल के साथ होली खेल रहे हैं। तो देखिए आज माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं झामुमो नेता बाबर खान भी यहाँ पर है। आ जाएगा, आवाज आ जाएगा। बाबर जी आज जश्न में डूबे हैं, जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे आप? देखिए आज झारखंड के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। आज जो कार्य हेमंत सरकार ने की है झारखंड में, निश्चित रूप से झारखंड वासियों को इसका बहुत दिनों से ये मांग थी कि उन्हें खतियान को लागू किया जाए, और ये ऐतिहासिक कार्य के लिए पूरे झारखंड वासी आज इस सरकार के प्रति उत्साह मना रहे हैं। और वो उत्साह का समारोह आप देखेंगे कि जब से ऐतिहासिक जगह है झारखंड के हर एक क्षेत्र में मनाया जा रहा है। आज खुशियां मना रहे हैं क्योंकि नियोजन नीति 1932 खतियान, साथ में ओबीसी आरक्षण 27% दोनों विधानसभा के विशेष सत्र में पारित हो चुका। आज पूरे झारखंड भर में सभी लोग इसी तरह से खुशियां मना रहे हैं और अपनी जीत जैसे मान रहे हैं। देखिए साक्षी गोल चक्कर में जश्न का माहौल हो गया है और ढोल नगाड़े ताशे पटाखों के साथ सभी लोग अबीर गुलाल लगाकर लड्डू बांटकर आज जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं क्योंकि झारखंड में 1932 का खतियान आज विधानसभा सत्र में पारित हो चुका है।